नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम टॉक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे साइको रेपिस्ट का जिसे जानकर पुलिस भी हैरान परेशान रह गई, जिससे पुलिस ने जब पूछताछ की तो वो खुलासे हुए जिसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। मामला मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां पर एक साइको रेपिस्ट का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल 6 तारीख की बात है, यानी 6 नवंबर की बात है, जब एक बच्ची अपनी माँ के साथ मक्के का आटा उन्हें चाहिए था, जिसकी वजह से वो गए थे चक्की पे। वहाँ पर गेहूं का आटा लेके मक्का बेचना था उन्हें, और जिसके बाद वो वहाँ से वापस अपने घर पे लौट रही थी। इसी दरमियान एक शख्स बाइक से आता है, उनका रास्ता रोकता है, कहता है कि अरे आंटी, आपने जिस दुकान से ये मक्के की आटा खरीदा था, जहाँ पर आपने गेहूं का आटा खरीदा था, उस दुकान में आपके कुछ पैसे रह गए हैं, चलिए आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपके पैसे वापस लौटा देता हूँ, वहाँ से लेकर वापस आता हूँ। अब ये महिला कुछ समझती नहीं है, वो उसके साथ बाइक पर हो लेती है। कुछ दूर तक ये जाते हैं, इसके बाद बीच रास्ते वो बाइक रोकता है और महिला को कहता है कि आप यहीं पे रुक जाइए, मैं बच्ची को लेकर जाता हूँ उस दुकान पर और पैसे वापस लेकर आता हूँ। अब ये शख्स उस बच्ची को लेकर चला जाता है आगे की तरफ। जब आगे जाता है तो कुछ ही दूर में वो उस रास्ते नहीं जाता जहाँ पर वो दुकान थी, बल्कि वो मोड़ कर ले जाता है अपनी बाइक को जंगल की ओर। अब जंगल की ओर ले जाकर अपनी बाइक को रोकता है, बच्ची को उतारता है और जंगल, घने जंगल में वो उस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, उसके कपड़े उतारता है, उसे निर्वस्त्र करता है, जिसके बाद वो उसके साथ हैवानियत करता है और वो उसी जगह पर उस बच्ची को बेसुध छोड़ देता है, बिना कपड़ों के उसी हाल में उस बच्ची को छोड़ देता है और वहाँ मौका वारदात से वो फरार हो जाता है। इस शख्स का जो नाम था मुकेश जाटव बताया जा रहा है। अब दूसरी ओर माँ इंतज़ार कर रही थी कि उसकी बेटी वापस लौटी क्यों नहीं, इस और वो जो पैसे की बात किया था मुकेश, वो भी लेकर उसकी बेटी लौटी नहीं। अब थकी हारी माँ लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार करती है, इसके बाद जाती है अपने पति को ये पूरी वारदात बताती है कि ऐसे ऐसे वो गई थी, जहाँ पर एक शख्स मिलता है, उसकी बच्ची को ले जाता है, लेकिन उसकी बच्ची लगभग 2 घंटे बीत गए हैं लेकिन वापस नहीं आई है। रात के तकरीबन ये पूरी जो परिवार है पूरा ढूंढने निकलता है, अगल बगल के जो भी जगह होती है वहाँ पर जाते हैं, उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ से वो बाइक गई थी। अब वो जाते जाते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस लड़की को बेसुध अवस्था में फेंका गया था। जैसे ही परिवार पहुँचता है, लगभग रात के 9:30 बजे का वक्त होता है, देखता है तो उनकी बच्ची वहाँ पर निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी होती है जंगल में। इतना ही नहीं, उसके कपड़े बिखरे होते हैं, उसके शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं बहुत खरोच, ये सब दिखाई देता है, जैसे देखकर माँ और पिता समझ चुके थे कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ था। दूसरी ओर माँ ने देखा कि उनकी बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद बच्ची कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अपनी माँ को देखकर वो सारी चीज़ें बयां करती है। इसके बाद फौरन वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। कुछ ही मिनट में पुलिस वहाँ पहुँचती है मौका वारदात पर और देखती है बच्ची को, मेडिकल के लिए ले जाती है और मामला दर्ज करती है और जाँच के लिए जुट जाती है। अब पुलिस लगातार CCTV खंगालती है, CCTV देखती है कि उस रास्ते से जहाँ से उसकी माँ वहाँ गई थी और वो बच्ची को किडनैप करके लेके गया था, उसमें वो एक कैप्चर हो जाता है, जिसमें पुलिस अब उस पोस्टर के सहारे, उस तस्वीर के सहारे जगह जगह दबिश डालती है कि शख्स को किसी ने देखा है। इसके बाद 10 नवंबर रविवार की बात है, जब पुलिस को एक खबरी रहता है, वो मुखबिरी करता है, जिसमें बताता है कि जो मुकेश जाटव है वो जाने वाला है केदारनाथ जंगल की तरफ और अपनी बाइक से निकला हुआ है। अब पुलिस अपनी टीम गठित करती है, लगभग एक टीम में 7-7 सदस्य होते हैं। पुलिस की टीम फौरन केदारनाथ जंगल की ओर रवाना होती है और देर रात तकरीबन ये लोग शाम का वक्त होता है, इस वक्त वो जंगल में पहुँच जाते हैं। जब वहाँ देखते हैं तो केदारनाथ जंगल है, वहाँ पर मुकेश जाता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस की टीम घेर लेती है मुकेश जाटव को, यानी उस रेपिस्ट को, लेकिन वो अपनी बाइक नहीं रोकता, स्पीड में बढ़ाते रहता है। दूसरी ओर पुलिस उसकी बाइक खींच कर पटक देती है। अब मुकेश पुलिस से घिर जाता है, अब वो सोचता है क्या करे, तो फौरन अपना कट्टा निकालता है और पुलिस पर फायरिंग कर देता है। अब पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें मुकेश के दाहिने पैर पर पुलिस गोली मारती है और वो वहाँ पर जगह पर गिर जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम उस पर हावी हो जाती है, उसे लेकर मौका वारदात से रवाना हो जाती है मेडिकल के लिए और वहाँ जांच पड़ताल की जाती है और मेडिकल रिपोर्ट्स आते हैं,
जिसमें ये पता चलता है कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या बताया उसे भी सुन लीजिए। पुलिस मुठभेड़ अभी हुई है 7:30 बजे की घटना केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में किया गया है और इसके द्वारा 2 राउंड फायर किया गया पुलिस पार्टी पे और 1 राउंड जब फायर करने का प्रयास किया गया था आत्म सुरक्षा पुलिस के द्वारा 9mm पिस्टल से फायर किया गया जिसमें इसके घुटने में चोट आई है। इसको तत्काल मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया और इसको यहाँ भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ये आइडेंटिफाई कैसे हुआ सर कि यही आरोपी है? ये उस समय ही जब इसकी माँ और जो दुकानदार थे जिस समय की घटना है जो 6 तारीख की है उनका फोटोग्राफ दिखाया गया क्योंकि उनको जो कई संदेहित थे उन संदेहियों का फोटोग्राफ हम लोग के पास थे तो जब दिखलाया गया तो उसकी मदर और दुकानदार जहाँ से घटना शुरू हुआ था उनने पहचाना इसको। कितना इनाम घोषित किया गया? इसमें मेरे द्वारा 10,000 किया गया था उसको बढ़ा करके IG सर के द्वारा 25,000 किया। जो आज से इस घटना के 5-7 दिन पहले जो सिरसी थाने में घटना घटी थी वो घटना में भी संभवतः यही शामिल है उसका भी तस्दीक किया जा रहा है। दरअसल ये वारदात तो उसने 6 नवंबर को की थी लेकिन 1 नवंबर को भी यानी इसके लगभग 5-6 दिन पहले भी वो एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश किया था जिसमें वो नामजद है, FIR दर्ज है, उससे लेकर पुलिस दबिश डाल रही थी लेकिन फिलहाल वो 6 नवंबर को जिस तरह से वारदात करता है उस लड़की को किडनैप करके ले जाता है जंगल में बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, इसके बाद मामला सामने आता है तो पुलिस कार्रवाई करते करते आखिरकार 4 दिन बाद उस तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है और ये भी बताया है कि ये साइको रेपिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, जो इसकी प्रवृत्ति है वो साइको टाइप की है और ये कहीं ना कहीं अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी न किसी टारगेट को ढूंढते रहता है। इसी कड़ी में इसने 1 नवंबर को एक प्रयास किया था जिसमें एक बच्ची के साथ ही इसने किया था और उसके बाद इस मासूम के साथ लगभग इसकी उम्र जो है 10 साल बताई जा रही है इस मासूम को टारगेट करता है, इसकी माँ से ही यह अगवा कर लेता है जिसके बाद केदारनाथ जंगल की ओर जाता है और उसका एनकाउंटर पुलिस करती है। फिलहाल इस मामले में बता दें कि आरोपी मुकेश जाटव जो है पुलिस की गिरफ्त में है, उसे पूछताछ लगातार जारी है। दूसरी ओर जो परिवार है उन्होंने शिनाख्त की थी कि हाँ यही लड़का था जिस वक्त उसकी मम्मी के साथ वो बेटी थी उस वक्त ये मुकेश आता है, बाइक रोकता है और बाइक पर माँ बेटी दोनों को बिठाता है लेकिन बीच रास्ते में ही माँ को छोड़ देता है जिसके बाद अपनी गंदी नीयत से अपनी बुरी नज़र से वो उस बच्ची को जंगल की ओर ले जाता है और उसके साथ उसके कपड़े उतारकर उसकी चीखें दबा देता है और उसकी असमत के साथ खेलता है जिसके बाद बच्ची की लहूलुहान हाल में बॉडी मिलती है जिसके बाद मामले का खुलासा हो सकता है।